जैसा कि आप देख सकते हो, ये वैकेंसी निकली हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, जिसमें जो पोस्ट दी गई हैं वो लाइब्रेरियन, स्टेनो ग्रेड 2, LDC, फायरमैन, इसके अलावा ड्राफ्टरी, मैसेंजर, बारबर, वाशरमैन, रेंज चौकीदार के पद हैं जो कि वेस्टर्न कमांड के अंतर्गत दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें अलग अलग स्केल हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब का एरिया है, उसके अंतर्गत है। लाइब्रेरियन की 34,400 से 1,12,400 में सैलरी रहेगी, जिसके लिए बैचलर ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स डिग्री, साथ ही बैचलर ऑफ डिग्री लाइब्रेरी साइंस का डिग्री होनी चाहिए। इसमें कैटेगरी जनरल के लिए एक वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी एक है। साथ ही स्टेनो ग्रेड टू की बात करते हैं, इसके लिए 25,000 रुपये सैलरी है, 25,000 से 81,000 रुपये। जनरल के लिए एक, OBC के लिए एक, टोटल दो वैकेंसी हैं। साथ ही LDC में 19,900 से 63,200 रुपये रहेगा, 12th पास होना चाहिए। इसमें जनरल के लिए एक, OBC के लिए दो, ST के लिए एक, ST के लिए एक, इंग्लिश के लिए एक, और टोटल 6 वैकेंसी हैं। इसके अलावा दो वैकेंसी हमारे एक्स-सर्विसमैन भाइयों के लिए रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा फायरमैन के अंतर्गत दो वैकेंसी जनरल के लिए, एक SC के लिए, टोटल तीन वैकेंसी हैं। मैसेंजर में 18,000 से लेकर के 50,900 रुपये सैलरी रहेगी। मैसेंजर, बार, रेंज चौकीदार और वाशरमैन, इनके जो पद हैं उन पर सैलरी सेम रहेगी। तो चार पद दिए जाते हैं मैसेंजर के लिए, दिए जाते हैं मैसेंजर के चार पद हैं एक्समैन के लिए। ये आप देख सकते हो, उम्र की जो सीमा दी गई है वो जनरल के लिए 18 से 25 साल, OBC के लिए 18 से 28 साल, SC ST 18 से 30 साल, ESM के लिए जितनी गवर्नमेंट ने जॉब की है वो घटाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एज रिडक्शन गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। ये एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन है, जो कि आपको 28 दिन के अंदर भेजनी होगी। जहाँ भी आप भेजते हो तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट आपने चूज करेंगे उसका नाम लिखना है। लिखने के बाद इसको रजिस्टर डाक से भेजना होगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, आपको अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सारी चीज़ें आपको संलग्न करनी होंगी। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, इसका फॉर्म है, इस प्रकार का फॉर्म होगा जो फॉर्म आपको फिलअप करना है। जिस पोस्ट का अप्लाई कर रहे हैं वो लिखनी है, जैसे पोस्ट अप्लाइड फॉर जो लिखना है। उसके बाद आपका नाम कैपिटल लेटर में होगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होंगी। और लिखने के बाद इसको फॉर्म को भेजना होगा। अगर आप एप्लीकेशन है एक्सेसमैन हैं तो उसमें लिखना है एक्सेसमैन और डेट ऑफ रिटायरमेंट। दोस्तों, ये थी इस वैकेंसी से जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि आपको विस्तृत रूप से जगह चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो अपने तक सीमित ना रखें। हमारे बहुत से भाई हैं जिनको इस प्रकार की वैकेंसी आवश्यकता होती है, उन तक ये वीडियो जरूर भिजवाएँ, जरूर भेजें, जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।